नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगाई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। युवा महोत्सव का सीएम धामी ने किया शुभारंभ, मंगल दलों के प्रोत्साहन राशि बढ़ाई। देहरादून से मुंबई एयरलिफ्ट किए गए ऋषभ पंत, कोकिला बैन अस्पताल में होगा इलाज। हल्द्वानी में अतिक्रमणकारियों से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल, जमीयत उलमा हिंद के सदस्य भी पहुंचे। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर बोले सीएम धामी, कोर्ट का निर्णय ही होगा सर्वमान्य। सीबीआई जांच का मामला, पूर्व सीएम त्रिवेन को बड़ी राहत, एचसी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम में 13 जिलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में युवक और महिला मंगल दलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की। ऋषभ पंत का इलाज मुंबई में होगा। ऋषभ पंत करीब एक हफ्ते से देहरादून में भर्ती थे। 30 दिसंबर को जब सड़क हादसे में ऋषभ पंत घायल हुए थे तो पहले उन्हें रुड़की में प्राथमिक इलाज दिया गया था, उसके बाद इलाज के लिए देहरादून भेजा गया था। अब ऋषभ पंत का मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में इलाज होगा। जाने माने स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन दिनशो पारदीवाला ऋषभ पंत का इलाज करेंगे। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 5 जनवरी को मामले में सुनवाई होनी है। इसके बावजूद राजनीतिक दलों के नेता अतिक्रमणकारियों के समर्थन में सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी से 10 सदस्याय सपा का प्रतिनिधिमंडल अतिक्रमणकारियों से मिलने हल्द्वानी पहुंचा। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के सदस्यों ने भी अतिक्रमणकारियों से मुलाकात की। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा, सरकार कोर्ट के फैसले पर अमल करेगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर जो अतिक्रमण हुआ है उस अतिक्रमण को हटाना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर ने उधम सिंह नगर के लिए उड़ान भरी, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उधम सिंह नगर उतरने के बजाय हल्द्वानी के एफटीआई के मैदान में उतारा गया। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर में खराब मौसम और कोहरे के चलते सीएम धामी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को हल्द्वानी में उतारा गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी सड़क से उधम सिंह नगर के लिए रवाना हो गए। हल्द्वानी के वनभूलपुरा के 4500 परिवारों पर बेघर होने की तलवार लटक रही है। 10 जनवरी से स्थानीय व रेल प्रशासन उत्तराखंड में अभी तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने जा रहा है। इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर ही सुनवाई होनी है। पीड़ित अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा रहे हैं। उधर हरीश रावत ने आज मौन उपवास किया। नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके से रेलवे भूमि पर बने 4,365 घर गिराए जाने हैं। इसके खिलाफ हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। अब रेलवे की भूमि से बेदखल होने वाले लोगों को देश के एक बड़े वकील का साथ मिला है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के विरोध में देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण भी आ गए हैं। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में जहां पुलिस ने दलजीत सिंह हत्याकांड में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं रुद्रपुर में विदेश भेजने के नाम पर 3 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला भी सामने आया है। ठगी वाले मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बादशाही तौल के हिंदी विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा सिंह को 26 जनवरी के परेड के लिए खास न्योता मिला है। अपर्णा सिंह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राष्ट्र सेवा योजना के स्वयंसेवियों की टीम का प्रतिनिधित्व करती दिखाई देंगी। उन्हें ये जिम्मेदारी मिलने के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रबंधन में खुशी का माहौल है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।